सब्सक्राइब करें हमारा चैनल मोहम्मद उवैस व्लॉग्स और बेल आइकन पर क्लिक करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, और ये बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कम प्राइस में बैग्स खरीदना अपने पर्सनल यूज के लिए, आपको लेडीज बैग्स, स्लिंग्स बैग्स, कॉलेज बैग्स, क्लचेस, स्कूल बैग्स एक्सेट्रा काफी कम प्राइस में मिल जाएंगे, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 7007812104। आपको व्हाट्सएप में सारे डिजाइन सेंड कर दिए जाएंगे, आपके घर तक एक पीस भी डिलीवर हो जाएगा। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए धमाकेदार बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ। ये बिजनेस उनके लिए है जो चाहते हैं कम इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा बिजनेस सेटअप किया जाए और डिमांड फ्यूचर में ज्यादा से ज्यादा बनी रहे। ये बिजनेस सिर्फ और सिर्फ 1500 की इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट किया जा सकता है। ये बिजनेस है पेप्सी कोला का। दोस्तों, इस बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा आप लोगों को, कौन से रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, किस तरह से इसको पैकिंग करना होता है, कौन सी मशीन की जरूरत पड़ेगी, इसकी मार्केटिंग किस तरह से होती है। सो गाइस, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बीच में क्विट मत कीजिएगा, वरना पूरी नॉलेज आप लोगों को सही से नहीं मिल पाएगी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ये बिजनेस सिर्फ 1500 की लागत में आप शुरू कर सकते हैं। ये काफी फेमस बिजनेस है और काफी सालों से चलता हुआ आ रहा है। इसकी मार्केट में डिमांड भी काफी ज्यादा बनी रहती है। आप ये बिजनेस चाहे सिटी में रहते हो या फिर विलेज में, इसको कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जिस बिजनेस के बारे में बता रहा हूँ, ये पेप्सी कोला मेकिंग का बिजनेस है जो पाउचेस के अंदर आती है। आपने देखा होगा 1-2 रुपए में मार्केट पे ये सेल होती है। इसके लिए आपको पैकिंग रोल की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए आप लोग को अलग अलग फ्लेवर्स की जरूरत पड़ेगी। बाद में इसको पैक कैसे करना है, इसकी जानकारी इस वीडियो में दूंगा आप लोगों को। सबसे पहले आइए जान लेते हैं एक पेप्सी का जूस बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले आप लोगों को फ्लेवर्स परचेज करना होगा। ये फ्लेवर्स बहुत सी कैटेगरीज में आता है दोस्तों, जैसे ऑरेंज फ्लेवर होता है, कोला फ्लेवर होता है, पाइनएप्पल फ्लेवर आता है, मैंगो फ्लेवर और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। बहुत से फ्लेवर्स हैं मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। ये सब फ्लेवर्स आपको जनरल स्टोर में मिल सकते हैं या फिर कोई आइसक्रीम की दुकान पे भी आप लोग देख सकते हैं, वहां पे भी आप लोगों को बड़ी आसानी से मिल जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा कि इसको बनाया कैसे जाता है। चाहे तो आप लोग कॉपी पेन ले लीजिए। फ्लेवर की कॉस्ट ज्यादा नहीं आती है दोस्तों, ये आपको 150-200 रुपए के अंदर मिल जाएगा बड़ी आसानी से। अपने मुताबिक कोई भी फ्लेवर आप लोग चूज कर लीजिए। सारे फ्लेवर्स बॉटल में आते हैं। आप लोग को करना ये होगा, 20 लीटर के पानी में आपको सिर्फ 2 ढक्कन फ्लेवर डाल के मिला देना है। इसके बाद चाहिए आपको शुगर, जो कि बड़ी आसानी से मार्केट में मिल जाती है। अगर 20 लीटर के पानी में बनाते हैं तो आपको सिर्फ 1.5 किलो शक्कर डालना है, जिससे टेस्ट का बैलेंस मेंटेन रहेगा। फिर आपको चाहिए नींबू सर्ट, जिसको इंग्लिश में लेमन सर्ट भी कहते हैं। 2 चम्मच डालना है आप लोग को लेमन सर्ट। जितना खट्टा आप बनाना चाहते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, टेस्ट के मुताबिक आप लोग ये बना सकते हैं। ये आप लोगों को अपने नियर बाय जनरल स्टोर में बड़ी आसानी से मिल जाएगा। ये काम आता है खट्टा करने के लिए। अब बात कर लेते हैं इस पेप्सी में पॉलिथीन लगती है, वो कहाँ से आप परचेज कर सकते हो। ये बहुत पतली सी पॉलिथीन होती है दोस्तों, इसका पूरा एक रोल आता है। ये आपको अपने सिटी में जहाँ पे पॉलीबैग्स मिलते हैं वहां से मिल जाएगी, या फिर नहीं मिलती है तो आप इंडिया मार्ट से भी परचेज कर सकते हैं। ज्यादा महंगी नहीं आती है, ये सिर्फ आपको 150-200 रुपए के बीच में मिल जाएगी। इसमें 450 पैकेट बन जाते हैं अगर एक रोल आप परचेज करते हो तो। अगर आपको लगता है ये पेप्सी पाउच बनाने के बाद ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, तो फ्लेवर बनाते टाइम आप सिरका मिला सकते हैं, जिससे ये पेप्सी कोला थोड़ा ज्यादा टाइम तक टिक जाएगा। इसकी जो बनाने की टोटल कॉस्टिंग आती है सिर्फ 35 पैसे आती है। इसको आप चाहो तो रिटेल मार्केट के अंदर बेच सकते हो। रिटेल मार्केट में ये 1-2 रुपए में बड़ी आसानी से बिक जाता है। अगर आपको लगता है कि होलसेल करना जरूरी है, होलसेल करना चाहिए आप लोगों को, तो ये होलसेल में 75 पैसे में बेचा जा सकता है। अगर आपकी पेप्सी बनाने की कैपेसिटी एक दिन की 10,000 है, और अगर आप दिन में 10,000 सेल आउट कर देते हो, तो आप एक दिन का 2500 रुपए बना सकते हैं। अब बात आती है स्टोरेज की, तो आपको इसको कूलिंग पे ही रखना है, यानी फ्रिज के अंदर, ताकि ये खराब ना हो। मार्केट में आप अपने सैंपल्स दिखा सकते हो, जिससे लोगों को पता चल सके ये काम आपने स्टार्ट किया है। क्वालिटी का जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों, जितनी अच्छी क्वालिटी रहेगी उतना ज्यादा आपके प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में बनी रहेगी। दोस्तों, आपको सीलिंग मशीन की भी जरूरत पड़ेगी, 800-900 रुपए में आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। अमेजोन से आप लोग खरीद सकते हैं। ये मशीन काफी काम आती है कोई भी प्रोडक्ट को पैक करने के लिए।
दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो नीचे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी। मैं आप लोग के लिए इसी टाइप की वीडियोस आके भी बनाता रहूंगा। और इसी से रिलेटेड आप लोग को और भी वीडियोस देखनी है तो आप लोग वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।